कि आप भी घर बैठे बैठे पियानो और हारमोनियम बहुत ही आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, अपने मनपसंद गानों को उन पर प्ले करना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में। बहुत ही खास वीडियो है आज का, क्योंकि जब से मैं आप लोगों को इस चैनल पर गाने प्ले करना सिखा रहा हूँ, तब से मुझे ये रिक्वेस्ट आती रहती थी कि सर हमें पियानो और हारमोनियम को भी शुरू से सिखाइए, हमें सारी बेसिक चीज़ें सिखाइए और पूरी जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, आज आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ। जिस तरह बहुत ही आसानी से मैंने गानों को प्ले करने सिखाया, वैसे ही सबसे सरल तरीके से मैं इस वीडियो में पियानो और हारमोनियम सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप पियानो और हारमोनियम के बारे में इससे पहले कुछ भी नहीं जानते थे, पियानो और हारमोनियम की आपको ABCD भी नहीं पता थी, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो में आपको A to Z पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी जानकारी को मिस नहीं करना चाहते हैं, अधूरे ज्ञान से बचना चाहते हैं, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों के कहने पर ही, आप लोगों के वोट के आधार पर ही मैंने ये सीरीज शुरू की है। आगे इस सीरीज में हम जानेंगे स्केल, कॉर्ड और किसी भी गाने को हम किसी भी बटन से कैसे बजा सकते हैं, अलंकार, थाट, राग और खुद से गाने को पियानो या हारमोनियम पर कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें आप इस सीरीज में जानेंगे। इस वीडियो में आप सुरों के बारे में, सप्तक के बारे में या नोट्स और ऑक्टेव के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। किस तरह से आपकी उंगलियां पियानो और हारमोनियम पर नाचेंगी, ये सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और एक और ख़ास बात कि मैं आपको हिंदी में भी यानी भारतीय संगीत के अनुसार और अंग्रेजी नोट्स यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक के अनुसार दोनों तरह से आपको सरल भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ भारतीय संगीत के अनुसार सीखना चाहते हैं और कुछ लोग सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक के अनुसार। तो ये वीडियो उन सभी के लिए ज़बरदस्त हेल्प करने वाला है जो पियानो प्ले करना या हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हैं। तो वीडियो का एक सेकेंड भी आपको मिस नहीं करना है, शुरू से एंड तक वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो। तो आपके सामने पियानो दिखाई दे रहा है, ये जो पियानो है ये Casio कंपनी का है, इसका मॉडल नंबर है CTK 2100। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पियानो चाहे छोटा हो या बड़ा हो या किसी भी कंपनी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग पियानो के नाम से जानते हैं, कुछ लोग कीबोर्ड कहते हैं, कुछ लोग सिंथेसाइज़र के नाम से जानते हैं। तो आपके पास कोई भी पियानो हो, किसी भी तरह का पियानो हो, सस्ता हो, महंगा हो, बेकार हो, अच्छा हो, कोई भी पियानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसी प्रकार से आपके पास कोई भी हारमोनियम हो, सस्ता हो, महंगा हो, कैसा भी हारमोनियम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब हम पियानो और हारमोनियम प्ले करना सीखते हैं, तो उसके लिए किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। किसी भी तरह का पियानो हो या किसी भी तरह का हारमोनियम हो, सबका सिस्टम एक ही होता है। ये जो आपके सामने ब्लैक कीज़ और वाइट कीज़ नज़र आ रहे हैं, काले बटन, सफ़ेद बटन, हर किसी में इसी तरीके से होता है, किसी में बिल्कुल भी अलग नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कैसा भी हो, सब में बिल्कुल यही तरीका होता है, बिल्कुल ऐसे ही बटन होते हैं, ठीक है। तो दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल देना कि हम किस तरह के पियानो, किस तरह के हारमोनियम पे सीख रहे हैं, या हमारे पास किस तरह का पियानो है या किस तरह का हारमोनियम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि कैसा भी इंस्ट्रूमेंट हो आपके पास, कैसा भी पियानो हो, कैसा भी हारमोनियम हो, आप सीखने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, ये जो आपके सामने खूब सारे बटन दिखाई दे रहे होंगे, काले सफ़ेद, कहीं पर काला कहीं पर सफ़ेद, कहीं पर काला कहीं पर सफ़ेद, ये काले और सफ़ेद बटनों का जो जाल है, ये आपको परेशान कर रहा होगा। तो चलिए आपकी परेशानी दूर कर देते हैं। सबसे पहले इसी बात को समझ लेते हैं कि आखिरकार ये काले और सफ़ेद बटन का क्या सिस्टम है, इसको हमें कैसे समझना है। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आप अपना फोकस सिर्फ यहाँ पर करिए, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच अपना फोकस करिए और कहीं भी ध्यान मत दीजिए। जहाँ आपको बीच में 5 बटन दिखाई दे रहे होंगे काले कलर के, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, बस अपना ध्यान सिर्फ यहीं लगाइए आप कुछ देर के लिए, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपका ध्यान बिल्कुल सेंटर में लगा रहे जहाँ मैं समझा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आजू बाजू के जो साइड हैं उनको मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपका ध्यान बिल्कुल वहीं लगा रहे जहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मैंने दोनों तरफ कवर कर दिया, अब सिर्फ आपको मैं वही दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हम तब हटाएंगे जब हम इधर समझाएंगे। तो पहले मैं आपको इस जगह पर समझाऊंगा जहां मैंने फोकस करवा दिया। तो अब आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ वहीं ध्यान जाएगा जहां मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, ये है हमारा बीच का भाग, ठीक है। इस भाग में आप देख रहे होंगे 5 काले बटन दिख रहे होंगे आपको, या 5 की कह सकते हैं आप इनको, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। भारतीय संगीत में इसको हम पहली काली भी कहते हैं, इसको दूसरी काली, इसको तीसरी काली, इसको चौथी और इसको पाँचवीं काली।
इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब इतने भाग का पैटर्न भी समझ लीजिए। पैटर्न क्या होता है, एक तरफ दो काली होती हैं और एक तरफ तीन काली होती हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। ये देखिए एक दो, एक तरफ ये दो काली हो गई और एक दो तीन, एक तरफ ये तीन काली हो गई। तो ये जो इतना भाग आपको दिखाई दे रहा है, इतने भाग को हम कहते हैं मध्य सप्तक, ठीक है। भारतीय संगीत में हम कहते हैं इसको मध्य सप्तक और वेस्टर्न म्यूजिक के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं मिडिल ऑक्टिव, ठीक है। भारतीय संगीत के अनुसार हम इसको कहते हैं मध्य सप्तक और वेस्टर्न म्यूजिक में हम इसको कहते हैं मिडिल ऑक्टिव। जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, मध्य का मतलब होता है बीच का, ठीक है, तो उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया है। इंग्लिश में भी मिडिल ऑक्टिव नाम है तो मिडिल का मतलब बीच का, तो दोनों के नामों से आप समझ गए कि इसका नाम क्यों रखा गया है, मिडिल ऑक्टिव या मध्य सप्तक, ठीक है। ये जो भाग है हमारा जिसको हम मध्य सप्तक कहते हैं या मिडिल ऑक्टिव कहते हैं, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण भाग है, बहुत खास है, क्योंकि हम जो गाने प्ले करते हैं आपने देखा होगा वो सबसे ज़्यादा हम इसी ऑक्टिव में प्ले करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा इस बात को कि अधिकांश गाने हम इसी ऑक्टिव में प्ले करते हैं, इसी सप्तक में प्ले करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिंगर इसी ऑक्टिव में गाते भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गाने इसी ऑक्टिव में बनते भी हैं। अगर आपने इतने भाग को अच्छे से समझ लिया तो समझ लेना आपने सब कुछ समझ लिया, फिर आपको बाकी जो भाग हैं उनको समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे अगर इतना आपने अच्छे से समझ लिया। तो ये बीच वाला भाग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जिसको हम मध्य सप्तक कहते हैं या मिडिल ऑक्टिव कहते हैं। आप देखिए जैसा भाग मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, पांच बटन होते हैं, दो एक तरफ होते हैं और तीन एक तरफ होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही भाग आपको अब राइट साइड में भी देखने को मिलेगा। अब हम इस कवर को हटा रहे हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा, ये हमने राइट साइड वाला कवर हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे के वैसे ही है। यहाँ पर भी देखिए पाँच बटन है, एक दो तीन चार पाँच, काले बटन पाँच हैं, दो एक तरफ हैं, ठीक है, और तीन एक तरफ, जैसे हमने बीच वाले भाग पर देखा था मध्य सप्तक में उसी तरीके से यहाँ पर भी हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने कवर हटा दिया है तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सेम टू सेम है, इधर भी पांच काले बटन और इधर भी पांच काले बटन, इधर भी दो एक तरफ तीन एक तरफ, इधर भी दो एक तरफ तीन एक तरफ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से भागों में बटा हुआ है, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। इस भाग का तो मैंने आपको नाम बता दिया मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टिव, इस भाग का अभी मैंने आपको नाम नहीं बताया है, अभी मैं आपको इसका नाम बताऊंगा। तो पहले हम इसके लेफ्ट साइड वाले भाग को भी देख लेते हैं, जो लेफ्ट साइड पे हमने कवर किया था इसको भी हटा देते हैं। अब ये देखिए ये वाला भाग भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले देखा था, ये बीच वाला और ये इसके सीधे हाथ वाला बिल्कुल वैसे ही है, उल्टे हाथ वाला भी है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, कोई भी अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पर भी पाँच काले बटन हैं, एक दो तीन चार पाँच, दो बटन एक तरफ और तीन बटन एक तरफ, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम वैसे के वैसे ही है। तो इस तरीके से पियानो इन भागों में बटा होता है, ये भाग हो गया बीच का, फिर इसके बगल में राइट साइड में ये भाग हो गया और फिर इसके लेफ्ट साइड में ये भाग हो गया, मगर भाग सेम टू सेम एक जैसे होते हैं, कहीं भी कोई अंतर नहीं होता है। अब आपको समझने में आसानी हो रही होगी, अब आपको थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको समझा दिया है तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कि पांच काले बटन दिखाई दे रहे हैं, दो एक तरफ तीन एक तरफ, फिर आपको इसके बगल में भी एक पार्ट दिखाई दे रहा है, दो काले बटन एक तरफ और तीन काले बटन एक तरफ, और फिर इसके इस साइड भी उल्टे हाथ की तरफ भी आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, तीन काले बटन एक तरफ और दो काले बटन एक तरफ। तो अब जो बाकी बचे दो भाग हैं इनका भी हम नाम जान लेते हैं, ये तो आप जान ही चुके थे मिडिल ऑक्टिव मध्य सप्तक। अब इसके सीधे हाथ की तरफ जो है ये वाला, ठीक, इसका नाम है तार सप्तक या हायर ऑक्टिव। तार सप्तक हम कहते हैं भारतीय संगीत के अनुसार और हायर ऑक्टिव हम कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इसके उल्टे हाथ वाला भाग भी देख लेते हैं, इसको हम कहते हैं मंद सप्तक या लोअर ऑक्टिव। मंद सप्तक भारतीय संगीत के अनुसार और लोअर ऑक्टिव वेस्टर्न म्यूजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पर भी लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। अब दोस्तों हम स्वरों के बारे में जानेंगे, नोट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम जानेंगे मिडिल ऑक्टिव में मध्य सप्तक के अंदर, ठीक है, हम यहीं पर अप्लाई करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्योंकि जो भी चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है, वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। हम जो कुछ भी यहाँ सीखेंगे, सारे गामा पाधानी अगर हम यहाँ पर सीखेंगे, किस तरह से बजाते हैं, किसको क्या कहते हैं बटन को, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है और वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। अगर हम जानेंगे सी कौन सा है, डी कौन सा है, ई कौन सा है, एफ कौन सा है, तो वही चीज़ हमारी यहाँ भी लागू होती है और वही चीज़ हमारी यहाँ भी लागू होती है।
तो कहने का मतलब है कि सिर्फ हम मिडिल ऑक्टेव में सीख लेंगे जो चीज़, वही चीज़ हमारी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों जगह इस्तेमाल होगी। हमें अलग अलग नहीं सीखना है, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ कुछ और सीखा, यहाँ कुछ और सीखेंगे और यहाँ कुछ और सीखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ सीखना है मिडिल ऑक्टेव में और वही चीज़ हमें हर जगह अप्लाई करनी है, ठीक है, वही चीज़ हमें हर जगह होनी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब यहाँ पर सारी चीज़ें एक जैसी हैं, यहाँ पर भी सब कुछ एक जैसा है और वही सब कुछ यहाँ पर भी है, जब तीनों जगह सब कुछ एक जैसा है तो फिर इनका नाम अलग क्यों है? भाई सवाल तो बिल्कुल जायज़ है, बात तो सही है कि आखिर इनके नाम अलग क्यों हैं जब सब कुछ एक जैसा है। तो जाहिर सी बात है, अगर नाम अलग है तो काम भी कुछ ना कुछ अलग ही होगा। इस भाग की जो आवाज़ है वो थोड़ी अलग होगी, इस भाग की जो आवाज़ है वो थोड़ी अलग है और इस भाग की जो आवाज़ है वो थोड़ी अलग है, यानी कि हर किसी की आवाज़ अलग अलग है, यानी कि हर भाग की आवाज़, हर ऑक्टिव की आवाज़ या कहें हर सप्तक की आवाज़ अलग अलग होती है। यही रीज़न है कि इनका नाम भी अलग अलग दिया हुआ है। अब इनकी आवाज़ कैसे अलग अलग है ये हम आगे समझेंगे सुरों के साथ, और नाम क्यों अलग है ये भी हम जानेंगे कि इसको तार सप्तक क्यों कहा जाता है, या इसको हायर ऑक्टेव क्यों कहा जाता है, या इसको मंद सप्तक क्यों कहा जाता है, या इसको लोअर ऑक्टेव क्यों कहा जाता है। तो इन बातों को भी हम आगे समझेंगे सुरों के साथ। तो फिलहाल हमारा फोकस रहेगा मिडिल ऑक्टेव पर, मध्य सप्तक पर। तो अब हम जो चीज़ें सीखने जा रहे हैं, जो स्वर सीखने जा रहे हैं, वो हम यहीं पर अप्लाई करेंगे, यहीं पर हम सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस ऑक्टेव की एक और ख़ास बात है कि जब हम शुरुआत करते हैं सीखने के लिए तो इसी ऑक्टेव से शुरू करते हैं। सारे गामा पा धा नी सा जो हम सीखते हैं वो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्वरों की या नोट्स की। तो एक बात यहाँ बिल्कुल पक्की होती है कि आपको भले ही पियानो या हारमोनियम की ABCD का बिल्कुल पता ना हो, मगर एक बात का हर किसी को पता रहता है और वो बात ये है कि स्वर जो हमारे होते हैं वो होते हैं 7। ये बात हर किसी को पता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पहले से ही क्लियर होगी कि सुर जो होते हैं वो हमारे 7 सुर होते हैं, ठीक है, और वो हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे, आप गिन लीजिए, ये 7 नोट हैं, ठीक है। इन सुरों के बारे में, नोट्स के बारे में थोड़ा सा और भी खुलासा होगा, मगर मैं थोड़ा वो खुलासा आगे करूँगा। फिलहाल हम ये जो सुर हैं, 7 सुर, 7 नोट, इनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये जो हमारे 7 नोट हैं, ये सातों के सातों शुद्ध स्वर कहलाते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। तो अब हम इन स्वर को पियानो पर समझेंगे, और कहाँ पर समझेंगे, मिडिल ऑक्टेव में। तो ये है हमारा मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव। इसका जो पहला बटन है जिसको हम पहली काली भी कहते हैं, ये जो दो बटन है काली, इसकी पहली वाली, ये वाला जो बटन है इसको हम कहेंगे सा, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरी काली बटन है इसको हम कहेंगे रे। अब इसके बाद एक वाइट की छोड़कर जो दूसरी वाइट की है इसको हम कहेंगे गा। फिर इसके बाद तीसरी काली बटन को हम कहेंगे माँ। इसके बाद चौथी काले बटन को हम कहेंगे पा। इसके बाद पांचवें काले बटन को हम कहेंगे धा, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक वाइट की को छोड़ के जो दूसरी वाइट की आएगी इसको हम कहेंगे नी, ठीक है। फिर से देखिए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो आपने देखा, हमने यहाँ से सा शुरू किया पहले काले बटन से, और यहाँ पर हमारा नी ख़त्म हो गया, ठीक है। कहाँ पर ख़त्म हुआ, ये जो दूसरा वाला ऑक्टेव आ रहा है उसकी पहली काली बटन से, जो पहले वाइट बटन है यहाँ पर हमारा नी ख़त्म हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप गिनेंगे तो 7 स्वर आपको मिल जाएंगे। देखिए, सा 1, रे 2, गा 3, मा 4, पा 5, धा 6 और नी 7, ठीक है, हो गए आपके 7। तो ये 7 आपके शुद्ध स्वर कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हमारा जो पहला बटन था जिसको हमने सा माना, पहली काली को जिसको हमने सा माना, वहाँ से लेकर जो हमने नी प्ले किया आखिरी बटन, ठीक है, सा से लेकर नी तक जो हमने प्ले किया, यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारा एक ऑक्टेव हो गया, ठीक है, यानी कि एक सप्तक हो गया।
तो इस सप्तक के अंदर हमारे ये सुराएं हैं सा से लेके नी तक, ठीक है। तो ये जान लीजिए, ये हमारा पहला बटन, ठीक है, और ये हमारा आखिरी बटन, एक सप्तक का ये हमारा पहला बटन और ये हमारा आखिरी बटन, ठीक है, इसी के अंदर हमारा पूरा सप्तक होता है। इसी तरीके से राइट साइड में भी यही होता है, पहला बटन पहली काली से और ये आखिरी वाला बटन। इसी तरीके से उल्टे हाथ में जो है यहाँ भी यही है, पहला बटन और ये आखिरी बटन, ठीक है। तो मैंने आपको ये तो समझा दिया कि किस बटन को क्या कहते हैं, इसको सा कहते हैं, इसको रे कहते हैं, इसको गा कहते हैं, इसको मा कहते हैं, इसको पा कहते हैं, इसको धा कहते हैं, इसको नी कहते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सारे गामा पाधानी को प्ले करने का फार्मूला क्या है, ठीक है, किस तरह से ये नोट आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम सुरों की बात कर रहे हैं तो पहले इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी आपने सात स्वर जो शुद्ध होते हैं उनके बारे में जान लिया, मगर अब आप ये जानने वाले हैं कि जो सुर होते हैं, जो नोट्स होते हैं, वो सिर्फ सात नहीं होते हैं, ठीक है। आपने नॉर्मली जो सुना था, जो पढ़ा था, वो तो सात स्वर का ही पढ़ा होगा, मगर स्वर जो होते हैं वो सात नहीं होते हैं, स्वर होते हैं पूरे 12, ठीक है। जो कंप्लीट स्वर होते हैं वो होते हैं 12। तो सात स्वर के बारे में तो आपको पता ही था, उनके बारे में हमने जान भी लिया कौन कौन से होते हैं और कैसे हम उनको पियानो पर प्ले करते हैं, ये भी हमने जान लिया। अब बात आती है बाकी जो बचे उन पांच स्वर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन पांच स्वर की। तो चार कोमल स्वर और होते हैं आपके, और वो कोमल स्वर हैं रे, गा, धा और नी। ये हमारे चार स्वर कोमल कहलाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये रे, गा, धा, नी तो पहले वाले स्वर में भी था, मगर ये वो रेगा धानी नहीं है, वो रेगा धानी नॉर्मल थे, शुद्ध स्वर थे। ये जो रेगा धानी है ये शुद्ध स्वर नहीं है, ये कोमल स्वर हैं। जैसे कि आप नाम भी देख रहे होंगे, इनका नाम अलग है, तो इसलिए ये स्वर अलग हैं और साथ ही साथ इनकी पहचान भी अलग है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन कोमल स्वरों के नीचे आपको लाइन खींची हुई दिखाई दे रही होगी, रे के नीचे भी, गा के नीचे भी, धा के नीचे भी और नी के नीचे भी। तो ये पहचान है कि ये कोमल स्वर हैं, तो इसलिए ये जो रेगा धानी है ये उनसे अलग है, ठीक है। तो चलिए अब इन स्वरों को हम पियानो पर समझ लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो ये था हमारा सा, ठीक, ये था हमारा रे, ठीक। अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है कोमल रे, ठीक है। तो पहला जो नोट है हमारा चार नोट में, कोमल नोट में कोमल रे, तो उस कोमल रे को हमें देखना है। तो वो कोमल रे हमारा आएगा ये, ठीक है, ये हमारा रे था नॉर्मल शुद्ध। इससे पहले जो बटन है, ये जो वाइट की है सफ़ेद कलर का जो बटन है, ये हमारा कोमल रे है, ठीक है, ठीक इस नोट से, इस रे से ठीक पहले, सा और रे के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। ये जगह पहले खाली थी ना, अब भर गई, अब इसमें कोमल रे आ गया, ठीक। तो ये हो गया सा, ये हो गया रे और ये हो गया कोमल रे। तो आप समझ गए होंगे जहाँ हमारा रे आता है ठीक उससे पहले जो बटन आता है वो हमारा कोमल रे कहलाता है, ठीक है। कोमल रे क्यों है ये, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसकी जो आवाज़ है, तो इसकी जो आवाज़ है इस आवाज़ से थोड़ी हल्की होगी, हल्की सी इसकी आवाज़ थोड़ी इस वाले रे से, जो नॉर्मल रे था, जो शुद्ध रे था, उससे इस रे की आवाज़ थोड़ी कम होगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो ऐसे मान लीजिए कि इसलिए इसको कोमल रे कहते हैं, ठीक है, इससे हल्की सी इसकी आवाज़ कम होती है। अब दूसरा नोट क्या है, कोमल गा, ठीक है, अब उसको भी देख लेते हैं। तो ये था हमारा सा, ये था हमारा रे और ये था हमारा गा, यही था हमारा गा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करना है, जो चीज़ हमने रे में करी वही चीज़ हमें यहाँ पर करना है। इस गा से पहले कौन सा बटन है, ये वाला, तो ये हो गया हमारा कोमल गा। जिस तरीके से ये रे था, इससे पहले वाला बटन कोमल रे हो गया था, उसी प्रकार ये हमारा गा है और इससे पहले वाला जो बटन है वो हमारा कोमल गा हो जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा शुद्ध स्वर होता है उससे जो पहले वाला बटन होता है वो हमारा कोमल होता है। अब तीसरा कोमल स्वर देखते हैं, तीसरा कोमल स्वर क्या है, कोमल धा, अब इसको भी देख लेते हैं।
वैसे आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि कौन सा होगा। चलिए, ये है हमारा सा, ये हमारा रे, ये है हमारा गा, ये हमारा मा, ये हमारा पा, ये हमारा धा। ठीक है, ये हमारा धा था, शुद्ध धा। तो आप समझ गए होंगे कि इससे पहले जो बटन है ये वाला, ये हमारा कोमल धा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा धा था तो ये हमारा कोमल धा हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, जो हमारा शुद्ध स्वर होता है उससे पहले वाला जो बटन होता है वो हमारा कोमल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे कोमल स्वर की, जो कि है कोमल नी। मुझे मालूम है आप पहले से ही समझ गए होंगे कि कोमल नी कौन सा होगा। जाहिर सी बात है कि जब ये रे था तो इसके पहले वाला ये कोमल रे हो गया, ये गा था तो इसके पहले वाला कोमल गा हो गया, ये धा था तो इसके पहले वाला कोमल धा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये नी था तो इसके पहले वाला कोमल नी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था। तो ये चार स्वर कंप्लीट हो गए आपके, कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो अभी तक हमने कितने स्वर कंप्लीट कर लिए? पहले हमने सात सीखे, इसके बाद हमने चार सीखे, सात और चार कितने हो गए? ग्यारह। अब कितने बचे? एक स्वर बचा। ठीक, तो वो एक स्वर कौन सा है वो भी जान लीजिए। वो एक स्वर है तीव्र मा। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तीव्र मा। आप कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एक माँ तो पहले भी था, ये फिर से माँ आ गया। तो यहाँ पर भी वही बात लागू होती है, जिस तरह से हमारे चार कोमल स्वर निकल कर आए थे उसी तरीके से ये हमारा एक तीव्र माँ भी निकल कर आया। इसकी भी पहचान अलग है, आप देख रहे होंगे इस माँ के ऊपर खड़ी लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, तो इससे ये पहचान में आता है कि ये तीव्र माँ है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जैसा इसका नाम है तीव्र माँ, तो इसका काम भी कुछ तीव्र ही होगा। तो चलिए अब इस आखिरी नोट को भी हम समझ लेते हैं, इस आखिरी सुर को भी हम समझ लेते हैं। तो यह है तीव्र माँ। तो तीव्र माँ हमारा जो होगा वो कहाँ होगा? सबसे पहले हम अपने माँ को देखेंगे। माँ हमारा कौन सा था? सा, रे, गा, माँ, ये हमारा माँ था। तो अब हमें क्या देखना है? तीव्र माँ। तो जाहिर सी बात है पहले हमने कोमल देखा था, तो कोमल स्वर मेन स्वर से पहले आ रहा था, मगर इसका नाम है तीव्र, तो जाहिर सी बात है कि ये इससे एक स्टेप ऊपर ही जाने वाला है। तो ये है माँ, तो इसके बाद जो बटन आएगा ये होगा तीव्र माँ। ठीक है, ये माँ है, तो जब तीव्र माँ है उसका नाम, तो तीव्र माँ तो जाहिर सी बात है आगे ही जाना है उसने, तीव्र है तो वो आगे वाला बटन तीव्र माँ कहलाएगा। ठीक है, तो अब हो गए आपके पूरे के पूरे 12 स्वर, 12 नोट्स कंप्लीट। सात सारे गामा पाधानी, चार कोमल रे गा धानी, इसके बाद एक तीव्र माँ, सात और चार ग्यारह और एक बारह, टोटल आपके 12 स्वर कंप्लीट हो गए। ये जो 12 स्वर हैं, इन्हीं 12 स्वर के अंदर दुनिया का कोई भी गाना आप बजाते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ तैयार कर ली तो समझ लेना आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, आपने ध्यान दिया हो तो ये जो हमारा पहला बटन था, ठीक है, सा पहली काली, और ये जो हमारा आखिरी वाला बटन था नी, जितने भी अंदर बटन आ रहे हैं, बीच में जितने भी बटन आ रहे हैं, वो सारे के सारे भर चुके हैं। उन सारे के सारे बटनों का नामकरण हो चुका है, चाहे वो ब्लैक हों चाहे वो वाइट हों। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यह है सा, यह है रे, यह है कोमल रे। ठीक है, इसके बाद ये था गा, यह है कोमल गा। ठीक है, इसके बाद ये था माँ, इसके बाद तीव्र माँ। ठीक है, इसके बाद ये था पा, और ये था धा, और इससे पहले था कोमल धा। ठीक, इसके बाद ये था नी, और इससे पहले कोमल नी, यानी कि हमारे सात स्वर सा रे गामा पा धा नी, इसके बाद हमारे चार कोमल स्वर कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी। ठीक है, और आखिरी वाला तीव्र माँ। अब आप ये देखिए, पहले बटन से लेकर आखिरी बटन तक पूरे के पूरे 12 नोट आपको मिल जाएंगे। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह, हो गए आपके कंप्लीट 12 नोट। तो ये हमारे 12 नोट का एक सप्तक हो गया।
यहाँ से यहाँ तक हमारा एक सप्तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ आप अपनी कॉपी में उतारते रहिएगा। सात जो स्वर हैं शुद्ध हैं, इसके बाद चार जो कोमल स्वर हैं वो हैं रेगा धानी, इसके बाद एक तीव्रमा है। ये सारी की सारी चीज़ें आप कॉपी में लिखते रहिएगा। अब देखिए, जो चीज़ हमने मिडिल ऑक्टेव में सीखी है वही चीज़ अप्लाई हमारी हायर ऑक्टेव में होती है, वही चीज़ें सेम। देखिए, ये सा, ये रे, ये कोमल रे, ठीक, ये गा, ये कोमल गा, ये मा, ये तीव्र मा, ये पा, ये धा, ये कोमल धा, ठीक, और ये नी, और इससे पहले कोमल नी। वही चीज़ हमारी यहाँ पर है, सा रे कोमल रे, गा कोमल गा, मा तीव्र मा, पा धा कोमल धा, नी कोमल नी। अब हम जानेंगे कि जब सब कुछ एक जैसा ही है इनमें, तो इसका नाम तार सप्तक क्यों है या हायर ऑक्टेव क्यों है, इसका नाम मंद सप्तक क्यों है या फिर लोअर ऑक्टेव क्यों है, और ये मिडिल ऑक्टेव क्यों है। मिडिल ऑक्टेव क्यों है ये तो आप समझ ही गए। इन तीनों ऑक्टेव में सिर्फ आवाज़ का अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, उसी आवाज़ के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। अब देखिए, मैं आपको तीनों ऑक्टेव का, तीनों सप्तक का सा बजा के दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं आपको मंद सप्तक का सा बजा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसी आवाज़ आ रही है, आप समझ गए, महसूस हो रही है आपको, भारी आवाज़ है, मोटी आवाज़ है, ठीक है। अब इसके बाद हम बजाएंगे मध्य सप्तक का, मिडिल ऑक्टिव का सा। अब देखिए, अब आवाज़ जो है बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम बजाएंगे तार सप्तक का, यानी कि हायर ऑक्टिव का सा। अब देखिए, देखा आपने, तीनों सप्तक के सा की अलग अलग आवाज़ है। तो इन्हीं आवाज़ों के अनुसार इन सप्तक का नाम दिया गया है, ठीक है, हो गया क्लियर। अब सवाल ये आता है कि हमने कहा कि मिडिल ऑक्टेव में भी हम वही सुर लगाते हैं, ठीक है, हायर ऑक्टेव में भी हम वही सुर लगाते हैं, जो यहाँ है सारे गामा पाधानी, वही यहाँ भी है सारे गामा पाधानी, ठीक है, यहाँ भी कोमल रहे है कोमल गा है कोमल धा है कोमल नहीं है, यहाँ भी कोमल रहे है कोमल गा है कोमल धा है कोमल नहीं है, ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो जब सब जगह एक ही चीज़ है तो इनके जो नोट्स हैं, इनके जो सुर हैं, उनको हम समझेंगे कैसे। जैसे कि मान लो आप एक गाना बना रहे हैं, ठीक है, उस गाने में एक सा मंद सप्तक का भी है यानी कि लोअर ऑक्टिव का भी है, और एक सा मध्य सप्तक का भी है यानी कि मिडिल ऑक्टिव का भी है, और एक सा तार सप्तक का भी है यानी कि हायर ऑक्टिव का भी है, ठीक है, ये तीनों नोट उस गाने में हैं। तो जब आप नोट्स लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सा 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 ऐसे लिखेंगे, ये भी सा ये भी सा ये भी सा, ये तो नहीं चलेगा। चलिए आप तो समझ जाएंगे क्योंकि आपने बनाया है, सामने वाले को देंगे तो सामने वाला कैसे समझेगा कि ये जो सा है ये कौन से ऑक्टेव का है कि नहीं। अब मेरी बात आपकी समझ में आई कि इसको भी सा कहते हैं, इसको भी सा कहते हैं, इसको भी सा कहते हैं, बात तो सही है, मगर ये मंद सप्तक का सा है ये कैसे पहचानेंगे, ये मिडिल ऑक्टिव का है, मध्य सप्तक का सा है इसको कैसे पहचानेंगे, ये तार सप्तक का सा था, हायर ऑक्टेव का सा था इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसकी भी एक पहचान होती है, ठीक है, जो नोट होते हैं इसके 12 के 12 मिडिल ऑक्टेव के, उनकी एक अलग पहचान होती है। इसके जो नोट होते हैं 12 के 12 तार सप्तक के, इसके भी नोट की एक अलग पहचान होती है, और जो मंद सप्तक के नोट होते हैं 12 के 12 इनकी भी एक अलग पहचान होती है। नोट सेम होते हैं, सारे गामा पाधानी सेम है, इसके भी सेम है, इसके भी सेम है, इसके भी सेम है, सी डी ई एफ जी, इसके भी सेम है, इसके भी सेम है, इसके भी सेम है, मगर इनकी पहचान अलग होती है। तो चलिए अब इन 12 स्वरों की तीनों सप्तक के हिसाब से पहचान समझ लेते हैं, जिससे फिर अगर आप नोट्स देखकर गाना बजाने की कोशिश करोगे तो आप आराम से बजा पाओगे। तो इसीलिए हर ऑक्टेव पर चिन्हों की पहचान बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंद सप्तक यानी कि लोअर ऑक्टेव की। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर 12 के 12 सुर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, और उन स्वरों के नीचे आपको एक बिंदी लगी हुई दिखाई दे रही होगी, हर सुर के नीचे आपको एक बिंदी लगी हुई दिखाई दे रही होगी। तो इस बिंदी के चिन्ह का यही मतलब है कि ये जो सुर हैं ये मंद सप्तक के सुर हैं यानी कि लोअर ऑक्टेव के सुर हैं, ठीक है। इनकी जो पहचान है वो यही है कि जो मंद सप्तक का सुर होता है उनके नीचे बिंदी लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये हो गई मंद सप्तक की यानी कि लोअर ऑक्टेव के सुरों की पहचान। अब हम बात करते हैं तार सप्तक की यानी कि हायर ऑक्टेव की। तो अब आपको जो स्क्रीन पर 12 सुर दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर बिंदी लगी हुई दिखाई दे रही होगी,
पहले हमने देखा था नीचे बिंदी थी, अब देखिए अब इनके ऊपर आपको बिंदी लगी हुई दिखाई दे रही होगी। तो इस ऊपर लगी हुई बिंदी का यही अर्थ है कि ये जो सुर हैं ये हायर ऑक्टव के सुर हैं, यानी कि तार सप्तक के सुर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मध्य सप्तक की, यानी कि मिडिल ऑक्टिव की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अब जो नोट्स हैं उनके ना ऊपर बिंदी है ना नीचे बिंदी है, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि हमने सीखे थे। तो ये सारे के सारे स्वर अपनी नॉर्मल पोजीशन में हैं, इनमें कोई भी एक्स्ट्रा चिन्ह नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चिन्ह नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि ये मध्य सप्तक के हैं। अब बस मैं आपको पियानो पर उंगलियाँ कैसे चलानी है और सरगम कैसे बजानी है ये और सिखा दूँ, फिर बस दो चार दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप नोट्स देखकर या फिर मेरा गाना सिखाने वाला वीडियो देखकर भी आप बहुत अच्छे से गाना बजाने लगेंगे। इस सीरीज़ में मैं आगे भी वीडियो में बाकी एक्सरसाइज और बाकी एडवांस नॉलेज आपको बताता जाऊंगा, जिससे आप खुद से भी गाना निकालने लगेंगे। अब एक खास चीज़ और समझ लीजिए, ये जो सा है और ये जो पा है, ठीक है, ये सा और ये पा, ये दो नोट ऐसे होते हैं कि इनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आपने देखा कि रे का कोमल रे था, ठीक है, गा का कोमल गा था, मा का तीव्र मा था, धा का कोमल धा था, नी का कोमल नी था, मगर पा का कुछ भी नहीं था, सा का कुछ भी नहीं था। ये जो दोनों सुर होते हैं ये स्थायी सुर होते हैं, ठीक है, इनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इनमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है। ये देखिए, ये है हमारा सा। अब इससे पहले वाला जो बटन है, इस बटन का इससे कोई लेने देना ही नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि ये जो बटन है ये दूसरे इलाके का है, ये जो इलाका है ये मंद सप्तक का इलाका है, ठीक है, ये मंद सप्तक का इलाका है, तो इस बटन से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे वाले बटन की। तो ये जो आगे वाला बटन है इसका भी नामकरण पहले ही हो चुका है, ये है कोमल रे, क्योंकि ये रे है तो ये कोमल रे है। ठीक है, तो अब इसके ना पीछे कोई ना इसके आगे कोई, ये बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, उसी प्रकार अब बात करते हैं पा की। तो पा का भी वही हाल है, अब इसके जो पहले वाला बटन है इसका भी पहले ही नामकरण हो चुका है, इसका नाम है तीव्र मा, यह है मा और यह है तीव्र मा, तो इस बटन से भी इसका कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। अब बात करते हैं इसके आगे वाले बटन की। तो ये जो बटन है इसका भी वही हाल है, ये पहले ही बुक हो चुका है। ठीक है, इसका क्या नाम है? यह है कोमल धा, क्योंकि यह है धा, यह है कोमल धा, तो इस बटन से भी इसका कोई लेना देना नहीं, तो ये भी बेचारा अकेला रह गया। इसके भी पीछे कोई नहीं, इसके भी आगे कोई नहीं। ठीक है, तो ये भी अकेला रह गया और ये भी अकेला रह गया, तो सा और पा ये दोनों अकेले रह जाते हैं। तो इसीलिए इनका नाम स्थायी स्वर रखा गया है, इनका कोई परिवर्तन नहीं है, इनका कोई रूप नहीं है। ठीक है, ये बदल नहीं सकते, तो इसलिए इन दो सुरों को, सा और पा को, स्थायी स्वर भी कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और यही चीज़ तार सप्तक में भी लागू होती है और मंद सप्तक में भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कुछ नया बता रहा हूँ, मैं जो भी कुछ यहाँ आपको मिडिल ऑक्टव में बताऊँगा, मध्य सप्तक में बताऊँगा, वो सारी चीज़ें सारे ऑक्टव में लागू होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सरगम को प्ले करना सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सरगम क्या है? तो सरगम हम कहते हैं उन्हीं सात शुद्ध स्वरों को जो हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। मगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले तो ये लास्ट में सा नहीं दिखाई दे रहा था, अब कैसे दिखाई देने लगा? तो ये क्या सात से आठ हो गए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आठ बिल्कुल नहीं है, ये सात ही हैं। हम जब सरगम प्ले करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। अब इसको आप पियानो पे समझ लीजिए, ये एक नियम है। ठीक है, क्या नियम है ये समझ लीजिए आप पियानो पर। देखिए, ये तो आप समझ गए, सा री गा मा पा धा नी, यहाँ तक तो आप समझ गए थे, ये हमने समझा था सात स्वर थे ये। अब हम जो समझ रहे हैं लास्ट में आपको जो दिख रहा है वो है ये वाला सा। ये कौन सा है? ये हम पहुंच गए हायर ऑक्टव के सा पर। ठीक है, ये वही सा आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, मगर इसको हम काउंट नहीं करते हैं। क्यों काउंट नहीं करते हैं? क्योंकि ये रिपीट स्वर माना जाता है। ये भी सा है तो ये भी सा है, ये हमारा मध्य सप्तक वाला सा है, ये हमारा तार सप्तक वाला सा है। तो सरगम का नियम यही है, जब हम सरगम प्ले करते हैं तो इस सा से और इस सा तक जाते हैं। ठीक है, हम जब मध्य सप्तक में इसको प्ले करते हैं तो मध्य सप्तक के सा से लेकर तार सप्तक के सा तक हम बजाते हैं, प्ले करते हैं सरगम प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ये एक नियम होता है, मगर इसको हम काउंट नहीं करते, ये आठवां स्वर नहीं हो जाता। ठीक है, इसको हम रिपीट स्वर कहते हैं।
तो सरगम जब हम प्ले करते हैं तो उसका नियम यही होता है, जब हम सरगम प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, इस सा को भी हम यूज़ करते हैं। जो तार सप्तक का सा है इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम सुरों में काउंट नहीं करते, ये हमारा रिपीट होता है, ये भी सा है ये भी सा है, तो इसको हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये नियम के अंतर्गत है। तो इसलिए आपको इसको इस्तेमाल करना है जब भी हम सरगम प्ले करेंगे, जब भी हमारा स्केल होता है, स्केल के बारे में आगे समझाऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ आपको स्केल का। तो जो भी हमारी सरगम होती है तो उसको हम इसी तरीके से प्ले करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। और एक बार जब हम यहाँ तक प्ले कर देते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके बाद फिर से हम वापस जाते हैं, उल्टा चलते हैं, ठीक है, कैसे, फिर हम वापस से इसको बटन को दबाते हैं, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं यानी कि मध्य सप्तक के सा से हम तार सप्तक के सा की तरफ जाते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं आरोह, ठीक है। और जब हम वापस आते हैं तार सप्तक के सा से लेकर मध्य सप्तक के सा तक हम जब वापस आते हैं, उल्टा आते हैं, तो इसको कहते हैं अवरोह, ठीक है। तो सरगम हम जब प्ले करते हैं, सरगम की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसका तरीका यही होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा और फिर सा नी धा पा मा गा रे सा। जब भी बिगनर्स की सरगम की प्रैक्टिस होती है तो वो मध्य सप्तक में ही होती है और इन्हीं सात शुद्ध स्वर पर होती है। बिलावल थाट में हम प्रैक्टिस करते हैं जिसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं। थाट के बारे में हम एडवांस टॉपिक पर सीखेंगे आगे के वीडियो में, अभी आप दिमाग में थाट मत लाइएगा, अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, ये बस मैंने आपको जानकारी के लिए बताया था। अब आप समझ लीजिए जब आप प्ले करेंगे तो आपको कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबाना है, ये बहुत ज़रूरी है, बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप परफेक्ट हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी उंगली से कौन सा नोट बजा रहे हैं। जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो आप कुछ भी कहीं से भी बजा देते हैं, ठीक है। मगर जब आप बिगनर होते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप नियम का पालन करें, कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबाना है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, तो ये जो हमारी पहली काली है जिसको हम सा कहते हैं, इसको हम दबाएंगे अपनी पहली फिंगर से, ठीक है, पहली फिंगर से। इसके बाद ये जो रे है दूसरी काली, इसको हम दबाएंगे दूसरी फिंगर से, ठीक है, पहली फिंगर से सा, दूसरी फिंगर से रे, ठीक है। अब गा जो हम प्ले करेंगे इसके लिए हम फिंगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए हम करेंगे थंब का इस्तेमाल, तो थंब हमारा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, कैसे, देखिए सा रे और गा, इस तरीके से ये अंगूठा हमारा नीचे की तरफ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा फिंगर जो है काले बटनों को प्ले करेंगी और थंब जो है वो नीचे वाइट की को प्ले करेगा, ठीक है। सा को हम दबाएंगे पहली फिंगर से, फिर रे को दूसरी फिंगर से और गा को हम अंगूठे से, ये घुमाया हमने अंगूठा नीचे की तरफ, ये हमारा गा प्ले हो गया। फिर पहली फिंगर से हमारा मा, फिर दूसरी फिंगर से हमारा पा, फिर तीसरी फिंगर से हमारा धा, अब किसकी बारी, नी की, फिर से हम अंगूठे को ले जाएंगे वाइट की पर नी। अब बचा सा, इसको हम वापस से पहली फिंगर से दबाएंगे, ठीक है, ये तार सप्तक वाला सा है जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया था, ठीक है, तो इसको हम पहली फिंगर से इस तरीके से, फिर से देखिए सा पहली फिंगर, रे दूसरी फिंगर, फिर अंगूठा इधर ले गए नीचे, गा फिर वापस से पहली फिंगर मा पर, फिर पा पर दूसरी फिंगर, फिर धा पर तीसरी फिंगर, फिर वापस से नी पर अंगूठा और फिर सा आ जाएगा हमारा तार सप्तक के सा पर। तो ये इस तरीके से प्ले होगा। ठीक है, अब देखिए वापस जाते वक्त हम यहाँ से शुरू करेंगे तार सप्तक के सा से। ठीक है, अब देखिए सा का महत्व फिर से देखिए। अब यहाँ से जब हमने शुरू किया था तो हमें सा चाहिए था शुरू करने के लिए, ठीक है, सारे गामा पा धा नी सा के लिए सा चाहिए था, तो ये था हमारा सा। अब जब हम यहाँ से उल्टा शुरू करेंगे
तो हमें सा तो चाहिए होगा, तो इसीलिए ये हम इस्तेमाल करते हैं नोट। जब हम वापस जाएंगे तो हमें सा तो चाहिए बजाने के लिए स्टार्टिंग में, तो ये हमारा सा प्ले करता है। ठीक है, ये जो तार सप्तक का सा है इसकी हम हेल्प लेते हैं, फिर हम इसको बजा के सारे गामा पादानी सा उल्टा जाते हैं। ठीक है, तो पहली वाली फिंगर से सा, फिर अंगूठा, ये देखिए अंगूठा ये हमने नी पर लगाया नी, फिर तीसरी फिंगर से धा, फिर मिडिल फिंगर से बीच वाली फिंगर से पा, फिर पहली फिंगर से मा, फिर से अंगूठा आ गया गा पर, फिर दूसरी फिंगर से रे और फिर पहली फिंगर से सा। ठीक है, तो कैसे प्ले करेंगे देखिए, ठीक है, तो इस चीज को आप कॉपी में लिख लीजिए, पहली फिंगर से सा, दूसरी फिंगर से यानी कि बीच वाली फिंगर से मिडिल फिंगर से रे, इसके बाद अंगूठे से गा, इसके बाद फिर से पहली फिंगर से मा, इसके बाद फिर दूसरी फिंगर से पा, फिर इसके बाद तीसरी फिंगर से धा, और इसके बाद फिर से अंगूठे से नी, और फिर से पहली फिंगर से सा। तो ये हो गई आपकी सरगम। सरगम आप जब भी प्ले करेंगे तो पहले करेंगे आरोह, मध्य सप्तक के साथ से तार सप्तक के साथ तक जाएंगे, और फिर उसके बाद करेंगे अवरोह, तार सप्तक के साथ से उल्टा चल के सीधा मध्य सप्तक के सा पर आएंगे। ठीक है, तो यह है इसका नियम और ये आपको प्रैक्टिस करनी है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जो सरगम की प्रैक्टिस है ये आपके लिए बहुत मेन प्रैक्टिस है, जो नए हैं जो बिगनर हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रैक्टिस, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने बस ऐसे उल्टा सीधा प्ले कर दिया, अगर आपने इसको ठीक से प्ले नहीं किया तो फिर सारा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, जितने भी आपने सब कुछ सीखा है वो कोई काम नहीं आने वाला अगर आपने ये काम अच्छे से नहीं किया। जब आप सरगम प्ले करते हैं सा रे गा मा, तो आपको साथ में गाना है। ठीक है, चाहे आपको गाना आता हो चाहे ना आता हो, चाहे आप कितने भी बेसुरे हों मेरी तरह, मगर आपको गाना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या है कि आपको सुर का एहसास होगा, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो पियानो की आवाज़ है उसकी आवाज़ से आपकी आवाज़ मैच हो रही है, और जब ऐसा आप महसूस करेंगे तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि चाहे आपकी आवाज़ फटे बांस की क्यों ना हो, मगर आपको गाना है, गुनगुनाना है। ठीक है, धीरे धीरे ही सही मगर आपको साथ में गुनगुनाना है, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, और वापस आने पर भी सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मेरी फिंगर पे नज़र मत मारना कि मैं किस फिंगर से क्या बजा रहा हूँ। ठीक है, आपको जो मैंने समझाया नियम आपको वही ध्यान रखना है। ठीक है, हमारी फिंगर तो कहीं भी चल जाती है, हम कहीं किसी भी फिंगर से कुछ भी बजा लेते हैं, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ उसी फिंगर से बजाना है जिस फिंगर से मैंने आपको समझाया है। तो मैं फिर से आपको ये बात कह रहा हूँ कि आपको इस सरगम प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं सोचना है कि आप कब गाना बजाएंगे, कब गाना बजाना आप सीखेंगे, आप सब कुछ सीख गए समझ लो, बस आप ये अपना तैयार कर लो, उंगलियां आपको अच्छे से चला लो, अच्छे से सरगम की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कर लो, पहले धीरे धीरे करो। और फिर कोशिश करो थोड़ा तेज तेज करने की। मगर शुरू में तेज नहीं करना है, शुरू में धीरे ही करना है। ठीक है, जब आप समझो कि धीरे धीरे आप सही करने लगे तो फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना कि अभी आपने धीरे तो आपने सीखा नहीं और आप शुरू हो गए उल्टा सीधा हाथ मारने में, फिर आपकी उंगलियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी और गलत बटन दबाएंगी इस तरीके से, ऐसी गलतियां आप करेंगे फिर। ठीक है, फिंगरिंग का आप जरूर ध्यान रखिएगा, फिंगर वही यूज करिएगा जो मैंने आपको समझाया है, जिस बटन के लिए जो फिंगर मैंने आपको बताई है वही आप यूज करना, इसके अलावा अपनी मर्जी से बिल्कुल भी फिंगर यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो चलिए अब वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से भी समझ लेते हैं।
तो वेस्टर्न म्यूज़िक और भारतीय संगीत में कुछ भी अंतर नहीं होता, सब कुछ सेम होता है, बेसिक जो है दोनों के सेम होते हैं, थोड़ा समझने का फ़र्क होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे देखा जाए तो वेस्टर्न नोटेशन बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, ठीक है, भारतीय संगीत के अकॉर्डिंग ये बहुत ही आसान होते हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आपको 7 नोट, ठीक है, जैसे हमने हिंदी में देखे थे सारे गामा पाधानी, उसी तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे सी डी ई एफ जी ए बी, आप गिनकर देख लीजिए 7 होंगे ये। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि भारतीय संगीत में तो 12 नोट थे तो इसमें 7 कैसे, तो इसमें भी 12 ही होते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ 7 नोट, इनको पहले मैं आपको समझा दूँ, फिर इसके बाद जो बचे 5 नोट वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले इन 7 नोट को पियानो पर समझ लेते हैं। तो ये देखिए, हिंदी में तो हमारा शुरू हुआ था भारतीय संगीत में पहली काली से सा, ठीक है, मगर अंग्रेज़ों का क्या हिसाब किताब है, इनका शुरू होता है पहली काली से, जो पहला नोट होता है वाइट की, पहली काली से बिल्कुल ठीक पहले वाला, ठीक है, तो इसको कहा जाता है सी, ठीक है, इसके बाद जो नोट है इसको कहा जाता है डी, और इसके बाद जो है ये होता है ई, और इसके बाद एफ, इसके बाद जी, और इसके बाद ए, और इसके बाद बी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 नोट हो गए, पहली काली से पहले वाला सफ़ेद की, ठीक है, और 5वीं काली के बाद वाला सफ़ेद की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 नोट हो गए। बहुत ही सिंपल है, लाइन से हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, सी डी ई एफ जी ए बी बिल्कुल लाइन से हैं, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग हमें सारे गामा पाधा नहीं बजाना है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, एक के बाद एक बटन दबाते जाओ सारे गामा पाधा नी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आप समझ गए, ये वाला बटन सी, ये वाला डी, ये वाला ई, ये वाला एफ, ये वाला जी, ये वाला ए, ये वाला बी, ठीक है। तो 7 नोट हमने क्लियर कर लिए, अब हमारे बचे 5 नोट और, ठीक है। तो जो 5 नोट हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प, ठीक है, ये हो गए 5 नोट। अब इनको हम पियानो पर देख लेते हैं। अब देखिए जो सी बटन था पहला वाला, इसके जो बाद का बटन है, इसके बाद क्या है, ये वाला बटन, जो काला वाला बटन है ये इसके बाद का बटन है, तो ये हो जाता है सी शार्प, ठीक है। तो ये था सी, ये हो गया सी शार्प, क्लियर। अब इसके बाद क्या है, डी शार्प, तो डी शार्प के लिए देखिए, तो ये था सी, इसके बाद वाला था डी, तो डी के जो बाद बटन है काला वाला बटन, ये हो जाएगा डी शार्प, समझ रहे हैं आप। सी के जो बाद था काला वाला वो सी शार्प हो गया, डी के जो बाद था काला वाला वो हो गया डी शार्प। अब आप समझ गए होंगे कि शार्प जो है वो काले बटन होते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये था सी, ये था डी, ये था ई और ये था एफ, तो एफ के आगे क्या है, ये वाला काला बटन, तो ये हो गया एफ शार्प, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या है, एफ शार्प के बाद जी शार्प, अब जी शार्प को भी देख लीजिए, ये था सी, ये था डी, ये था ई, ये था एफ, ये था जी, तो जी के आगे क्या है काला बटन, ये वाला, तो इस बटन को हम क्या कहेंगे, जी शार्प, ठीक है। हर बटन के आगे जो काला बटन आता जा रहा है वो शार्प नोट बनता जा रहा है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है ए शार्प, तो अब इसको भी समझ लीजिए, ये था हमारा सी, ये था हमारा डी, ये था हमारा ई, ये था हमारा एफ, ये था हमारा जी और ये था हमारा ए। अब ए के आगे कौन सा बटन है काला, ये वाला, तो ये हो गया ए शार्प, ठीक है। हो गए सारे शार्प बटन क्लियर, पहला क्या था सी शार्प, सी के बाद जो काला बटन सी शार्प, दूसरा क्या था डी शार्प, डी के बाद जो काला बटन वो डी शार्प, इसके बाद क्या था एफ शार्प, एफ के बाद जो काला बटन वो एफ शार्प, इसके बाद क्या था जी शार्प, तो जी के बाद जो काला बटन वो जी शार्प, इसके बाद था ए शार्प, तो ए के बाद जो काला बटन वो ए शार्प, ठीक है। तो ये आपके हो गए 12 के 12 नोट। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, आप आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आप छोटे छोटे होंगे, ये वीडियो इसलिए बड़ा था क्योंकि इसके अंदर सारी बेसिक जानकारियाँ कवर करी थी, जिससे आप पियानो और हारमोनियम प्ले करने के लिए तैयार हो जाएं। मगर अब आगे की चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे वीडियो में सीखेंगे। तो ये सीरीज़ जो मैंने शुरू की है, इसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इस सीरीज़ का पहला वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने म्यूज़िक लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे हर कोई जो भी पियानो और हारमोनियम सीखना चाहता है उसको इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, और साथ ही साथ
सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, जो घंटी वाला निशान होता है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर सीखो सरल पर आप और भी सुपरहिट सॉन्ग पियानो और हारमोनियम पर प्ले करना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।